Assalamu alaikum, my name is Shahid Qureshi and we are back. आज मैं और सादिया हम लोग जा रहे हैं घूमने, एक फेयरफैक्स वर्जीनिया स्पॉट ढूंढा है हमने, तो लेट्स सी कि आपको स्पॉट वो कैसा लगेगा। ये फेयरफैक्स वर्जीनिया टाइसन कॉर्नर का एरिया है और हम लोग सबसे पहले यहाँ पर गाड़ी पार्क करेंगे किसी अच्छी जगह सेफली। तो हम लोग गाड़ी पार्किंग हमें एक बहुत अच्छी मिल गई है यहाँ गैराज में और ये फ्री है 30 मिनट्स पार्किंग, तो इतना कोई मसला नहीं है। हमने एक दो लोगों से पूछा है, यहाँ जो लोग शॉपिंग करने आते हैं फेयरफैक्स वर्जीनिया इस इलाके में मॉल में, तो वो लोग यहाँ गाड़ी पार्क कर सकते हैं। तो बहुत प्यारा वेदर है, 90 डिग्री एयर फेयरफैक्स वर्जीनिया में, और हम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, साथ छोटा सा प्लेइंग एरिया है, और सादिया ने तो पानी देखते ही, सादिया पानी में चली गई है और सादिया इज एंजॉयिंग अ लॉट। पानी इसकी कमज़ोरी है अपने फादर की तरह ही, मुझे भी बहुत शौक है पानी से खेलने का, तो लेकिन आज मेरा मूड नहीं है। बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, आई थिंक ये लोग यहाँ पे इसमें छोटे से जो एरिया बना हुआ है यहाँ पे मैच वगैरह भी दिखाते हैं, फिर इनके मैच होते हैं। मॉल्स बने हुए हैं, रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं, हमारे ये सामने भी एक बहुत ज़बरदस्त रेस्टोरेंट बना हुआ है सामने, लेकिन हम लोग हलाल रेस्टोरेंट ढूंढ के हम तो उसमें कोशिश करते हैं खाना खाया जाए। तो बच्चे खेल रहे हैं, गर्मी है और पानी बहुत मज़ा करता है गर्मी में, और बहुत सारे ये जो प्लेइंग एरिया इस तरह के बने होते हैं ये तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे लेकिन एंटरटेनमेंट का बच्चों के लिए एक मौका होता है। एंड किड्स बहुत नाइस ब्यूटीफुल एरिया, और प्लांट इस तरह लग रहे हैं जिस तरह आर्टिफिशियल हों लेकिन ये रियल हैं, मैंने बड़ा क्लोजली देखा। यहाँ पर लोग साफ़ ख़ुद भी करते हैं, अगर कोई चीज़ गंद वगैरह नज़र आ जाए कर्ब पे तो वो ख़ुद भी उठा लेते हैं और उसको ट्रैश कैन में फेंक देते हैं। तो सिर्फ गवर्नमेंट का ही नहीं, लोगों का भी बड़ा किरदार है एरिया को साफ़ रखने में, अपने मुल्क को साफ़ रखने में। तो कोई आपको एक भी लिटरिंग, ट्रैश, कोई किसी किस्म की चीज़ नज़र नहीं आएगी, तो बहुत प्यारा क्लीन एरिया।
अच्छा तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी वापस पिक करने, वॉक करके। सादी और वो खेल रहे हैं बाकी वहाँ पानी से, क्योंकि 30 मिनट्स लगा हुआ था। थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है कि गाड़ी टो ही ना हो जाए, अगर टो हो जाए तो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। ये मैं गैराज एरिया में आ गया हूँ अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 मिनट्स में। छोटा सा हमारा यहाँ स्टे था, बहुत अच्छा स्पॉट था। तो ये टाइसन कॉर्नर का एरिया है फेयरफैक्स काउंटी वर्जीनिया, तो बहुत खूबसूरत लगा। गाड़ी ये देखें हमारी लगी हुई है यहाँ पे, ये इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है 30 मिनट्स कस्टमर पार्किंग। तो लोगों ने कहा खड़ी कर सकते हैं, लेकिन मैंने फिर भी गाड़ी निकाल ली अभी और आई एम गोइंग टू पिक अप सारिया। सारिया को हमने पिकअप कर लिया है। सारिया के जो कपड़े काफ़ी गीले हैं और अब हम लोग वापस जा रहे हैं घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल और लाइक करें, शेयर करें। अच्छे अच्छे स्पॉट्स आपको यूनाइटेड स्टेट्स में और डिफरेंट जो हमारा DMV एरिया है इसमें देखने में डिफरेंट आपको स्पॉट्स मिलेंगे, और दुनिया में कहीं भी बैठ के आप थोड़ा सा अमेरिका के और दुनिया के नज़ारे कर सकते हैं। वीडियोस का ये सबसे बड़ा जो है बेनिफिट है। सो थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।